2018-19 का पास आउट हूँ। 16 साल हो गए कैथल में जूडो सेंटर चला रहा हूँ। 5 इंटरनेशनल बालक दे रखे हैं, 55 से ज्यादा नेशनल मेडलिस्ट दे रखे हैं। ग्रुप डी है तो धक्के खाऊ। सीएम साहब के आश्वासन के बाद भी हमारी सर ज्वाइनिंग नहीं हो रही सर। और सर मम्मी ने ही मेरे को दिहाड़ी मजदूरी करके मेरे को यहाँ तक लेके आई है, तो सर अब धक्के खा रहे हैं ग्रुप डी के लिए। कोई भी मंत्री बोलता है हम मिलवा देंगे, कॉल कर देते हैं, वो सीएम साहब से बात करते हैं या उनके ओएसडी से बात करते हैं, वो बात करते हैं कि जाओ तुम मिल लो हमको, ओएसडीजी मिलते हैं, ओएसडीजी बोलते हैं कि मैं सीएम साहब से बात कर लूँगा तुम्हारा हो जाएगा, कुछ कन्फर्म है पक्का हो जाएगा। हम महीने में चार चार हर मंगलवार को हमको बुलाते हैं, हर मंगलवार को हम चंडीगढ़ जाते हैं। 2018 और 2023 ये बाप गैप देख लो, 5 साल का हो गया। तो और एक किससे भी भर्ती ने देख लो, या सही बात है आपकी भाई, ग्रुप डी की भर्ती करी थी उसमें भी अध्यक्ष की ज्वाइनिंग कौन दे रखी, उसका दम पे इलेक्शन जीते थे। हमारे पड़ोस में मतलब हम पड़ोसियों से भी जलील होने लग गए, गांव वाले जो भी जहाँ जिसका पड़ोस है बोलते हैं 1.5 साल हो गया तुमको तो लगे, तुम्हारा तुम झूठ बोलिया कर दे लारे दे हो, मतलब इतनी बेइज्जती महसूस। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम भाई जींद में हाँ, और जींद का शहीदी पार्क के साइड में पार्क है, इसमें हम इकट्ठे हुए हैं भाई। खैर मैंने तो पता नहीं था ये कौन कहाँ से इकट्ठे हुए, मैं तो जाऊँ था 2-3 गेड़े हाड़ों को मार के, जब दिखे फिर वहाँ से यार बात कर लो कौन मेरे भाई हैं। हमारे साथ हमारे दीपक लाठर जी, मास्टर जी, मास्टर जी राम राम जी, राम राम। और ये भाई बैठे हैं भाई घने सारे, और जब इनकी बात पूछी तो मेरा लगा ये ग्रुप डी के मेरे भाई हैं, और जो स्पोर्ट्स कोटा था उससे रिलेट ये बात कर रहे थे। मेरे पेपे भी है और भाई भी हैं, इनसे बात कर लें कि मामला के है। और बड़ी बात तो यह है जो मैंने बेरा लगी 2018 की भर्ती, हाँ सर 2018 की सर ग्रुप डी की भर्ती थी, जींद उपचुनाव के समय सर ये भर्ती का रिजल्ट आया था, और स्पोर्ट्स कोटे के सर 1518 पद थे सर। 1518 हाँ जी सर। इसमें सर HSSC ने क्या किया सर, बिना डॉक्यूमेंट जांच के सीधे 1518 बच्चे लगा दिए जिनके पास इलिजिबल इलेक्शन जीतना था ना वो। हाँ सर, अच्छा रुक जाओ एक बारी। तो भाई ग्रुप डी की भर्ती थी 2014 से जब भाजपा इलेक्शन जीतती तब से, और 2018 में आके इनका नौकरी का था, जब जनवरी में इलेक्शन था तो इनका रिजल्ट काट दिया और उस बेस पर भाजपा इलेक्शन जीत गई। उसके बाद ग्रुप डी के हिसाब से आज तक यह सरकार चल रही है, कोई नया कोई काम नहीं करा, ग्रुप डी के हिसाब से आज तक यह सरकार चल रही है। और नू सोचा 2024 का इलेक्शन भी ग्रुप डी पे जीतेंगे, यह मेरा नहीं कुकर गलत फहमी तक उनका है। बात करा भाई पर्ची खर्ची का, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि भाई इनमें कोई पर्ची खर्ची चली नहीं जहाँ तक मेरे पास अपडेट है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना कि पर्ची खर्ची नहीं चली, ये जो बालक इलिजिबल है ये नहीं लगे, ये उससे भी माड़ा काम हुआ भाई। बेबे ईब के काम कर रहे हैं सर, मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस कर रहे जी सर जी। प्रैक्टिस कर अच्छा, रही हूँ सर। घर में परिवार में कौन है सर? परिवार में मेरे 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और मैं फादरलेस हूँ सर। मेरे पापा जी 2018 में एक्सपायर हो गए थे, और दिहाड़ी मजदूरी करके मेरे को मेरी मम्मी ने एक इंटरनेशनल प्लेयर और 2 बार मेडलिस्ट हूँ सर मैं, इंडस्ट्री खेली हूँ KUK से। अच्छा। और सर मम्मी ने ही मेरे को दिहाड़ी मजदूरी करके मेरे को यहाँ तक लेके आई है, तो सर अब धक्के खा रहे हैं ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी सर वो भी हमारे पता नहीं तो नसीब में नहीं है, पता नहीं हमें मतलब दी नहीं जा रही, तो सर उसके मैटर पे आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। ओके भाई, ग्रुप डी की भर्ती है या कोई गजेटेड अफसर की भर्ती नहीं है, कोई यूँ नहीं है कि भाई इन्होंने बड़ी पोस्ट चाहिए, ग्रुप डी इंटरनेशनल प्लेयर या छोरी है, और माँ ने मजदूरी कर कर के या पाली पोसियर इतनी बड़ी करी इंटरनेशनल तक भी पहुँचाया, ग्रुप डी का फार्म रहे इलिजिबल थी फिर भी यार राख दी मुख्यमंत्री साहब के कहो बिना पर्ची खर्ची के, इतना ही कहना उचित नहीं है। 2024 है, घनी लंबी चौड़ी दूरी भी नहीं है भाई साहब। आज इकट्ठे जो आप हुए हो इसका मकसद के है, और क्या कुछ अब तक 2018 से अब तक चला है सर? हमारे जब ये बच्चे गलत लग गए थे उसके बाद कुछ बच्चे कोर्ट में गए,
अच्छा, इस भर्ती में कुछ गलत भी लगे हैं सर? गलती थी, जो क्राइटेरिया पूरा नहीं था तो 1518 लगा दिए सीधे। कोई भी पोस्ट अगर आप 5 पोस्ट लगाते सर, कम से कम 15 बच्चों का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते होंगे, उनमें से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वही फाइनलिस्ट बनते हैं। उन्होंने सर सीधे 1518 लगा दिए, उसके अगेंस्ट बच्चे कोर्ट में चले गए सर। ठीक है, वो बच्चे जो लगे थे वो पॉलिसी को कवर नहीं करते थे, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि जो बच्चे पॉलिसी को कवर नहीं करते उनको बाहर करके और जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको आप रखो। उनमें से सर 600-700 बच्चे बाहर हो गए, मतलब 50-40% तो बाहर हो गए सर। उनकी जगह हमें सरकार ने हमने रिक्वेस्ट की सर, बुला भी लिया ठीक है सर, पर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली और 3-4 महीने हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के धक्के खाए कि आप में से जो एलिजिबल जिसके पास सर्टिफिकेट हैं वो अपनी ग्रेजुएशन बनवा लो सर। हमने घूम फिर के वो बनवाए, इस कारण हमारे रिजल्ट रुक गया सर। इसके बाद बोले कि हमने वहाँ जाके चेयरमैन साहब से और सेक्रेटरी साहब से बात की थी SSC में कि सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने कहा आपकी स्पोर्ट डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन लेट आई और तब तक आपकी वैलिडिटी ख़त्म होगी। तो हमने कहा सर ये तो सरकार का काम, हमारी गलती थोड़ी है सर, कम से कम वैलिडिटी सरकार बढ़ाएगी, हमें नौकरी दे। तो उन्होंने कहा हमने पत्र लिख दिया चीफ सेक्रेटरी साहब को, आपकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे सर। उन्होंने कुछ नहीं किया। हम पहले भी चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए और हमने रिक्वेस्ट की सरकार से, CM साहब से, CM साहब से हमें मिलने का टाइम भी मिला सर। 5 बच्चे हम उनसे मिले, हमने सारी बातें बताई, उन्होंने कहा भी ठीक है मैं आपकी बातें, स्पोर्ट डायरेक्टर साहब पंकज नैन जी थे उनसे पूछा कि भी इनका क्या मामला आप बताओ मुझे। उन्होंने कहा सर ये ओरिजिनल बच्चे हैं, इनकी मेरिट जो बच्चे गलत लगे थे गलत डॉक्यूमेंट के हिसाब से उन्होंने ख़राब कर दी, तो इन बच्चों का हक बनता है सर, इनको नौकरी दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को ऑर्डर करे, फ़ोन भी किया इनकी लिस्ट लगा दो, कब तक लगाओगे? उन्होंने कहा सर 31 दिसंबर 2022 तक इनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे सर, पर कोई कार्रवाई नहीं। एक CM साहब के आश्वासन के बाद भी हमारी सर ज्वाइनिंग नहीं हो रही सर। उस CM साहब आपके हक में थे उस टाइम? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। उन्होंने स्ट्रॉन्गली कहा था फॉर्मेलिटी नहीं भाई सर, ये भी कहा था फॉर्मेलिटी होगी सर। अब तो उन्होंने कहा आप दिवाली का टाइम है, खुश होके जाओ यहाँ से, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सर हम वहाँ से खुश होके आए थे, लेकिन हमारी खुशी थोड़े दिन के लिए थी, हमारी ज्वाइनिंग सर आज तक नहीं हुई सर। वाली पपोती वाली बात। हाँ जी सर, हम यही मांग करते हैं CM साहब से दोबारा हमारी बात सुन के, हम सारे बच्चे उनसे यही मांग करते हैं सर कि अपने अफसर को सर अफसरशाही हो रही है, जब CM साहब ने बोल दिया और चीफ सेक्रेटरी जी नहीं मान रहे तो अफसरशाही है इसमें, कि दोबारा बच्चों की बात सुन के हमारी और हमें ज्वाइनिंग देने का काम। भाई हमने दोबारा एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम मिल। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। हाँ जी, उनको आपने पॉजिटिव रूप देखा। हाँ जी सर। ओके मास्टर जी, आपने यह सारी बात सुनी, क्या लगा? देखो जी 2018 की भर्ती है, 2023 आ लिया, 5 साल तो ही है, मेंटली प्रेशर अलग। आप कितनी भर्ती आप काम कर रहा, कितने ऐसे मुद्दे हैं, सारे एक के चीज़ हैं, सुन दे हैं नहीं कोई भी, चाहे CM साहब हैं, चलो उन्होंने बोल दिया, बोलने भी लगभग 1.5 साल हो गया इन बातों ने तो, और 31 दिसंबर 2022 उस तक भी 6 महीने ऊपर जा लिए, फिर भी एक यूँ है कि भाई जो नागरिक हैं जो इसमें सेलेक्ट हैं वह आराम था अपने, बार बार अलग अलग आदमी आता है, जो भाई साहब बताऊँ तो कि सब तय मिल लिए हम तो, कोई छोड़ा ही नहीं है। सरकार का आदमी सरकार के प्रति पॉजिटिव हैं, सरकार फिर भी कोई इस तरीके, और दूसरी चीज़ के है कि मान लिया चलो इनकी कोई कमी है, फिर तो सरकार का तो रबा ना बेतर दो रही, कागज तो को नहीं था, हम नू तो को नहीं कर रहे, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं। 2018 और 2023 अब आप गैप देख लो, 5 साल का हो गया। तो एक किससे भी भर्ती ने देख लो, या सही बात आपकी भाई ग्रुप डी की भर्ती करी थी उसमें भी आधा की ज्वाइनिंग कौन दे रखी, उसका दम पर इलेक्शन जीते थे 2019 से ले गए अभी तक कुछ नहीं होया है। एक हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी वह भी अटका रखी, उनकी भी सारा ही ज्वाइनिंग नहीं होली। कुछ सरकार पता नहीं तो के चल रहा है, पता नहीं उनको बताना ही नहीं। CM साहब तो डायरेक्ट मिले, CM साहब ने जब कह दिया भाई बिल्कुल सही है, कह दिया भाई ज्वाइनिंग कराओ, उन्होंने बोल दिया ज्वाइनिंग करा देंगे, फिर भी कुछ नहीं। अब CM साहब इन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे, अब दोबारा मिलने का समय देंगे फिर बात होंगी। तो मेन बात यह है जी, जो सेलेक्ट हैं उनका सिर्फ समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, दिमाग ख़राब, मेंटली हरासमेंट, सारी चीज़ें हमें परेशान कर रखे हैं, और सरकार ने इन मुद्दे पर सोचना चाहिए। अब ये तो सारे यूँ तो है नहीं जी बालक हैं, ये तो ठीक समझदार आदमी हैं सारे,
बहुत स्पोर्ट्स पर्सन है तो मेंटली और शारीरिक हर तरीके का आदमी प्रिपेयर हो है, फिर भी कुछ उसमें नहीं कर रहे हैं तो यह गलत बात है। और इस पर सीएम साहब ने मिलन का समय देना चाहिए अभी भी, जैसे आप बात करा थे तो ऐसा नहीं है कि चलो सरकार जैसे कह रहे हैं कि कई जगह हमने मुद्दा उठाया है जो पब्लिक मीटिंग ले उसमें कह दें भाई हमने कोई पैसा तो नहीं लिया, अरे पैसा तो नहीं लिया दिया की है फिर, चलो पैसा तो नहीं लिया, पैसा ले कर भी लोग कर दें काम, लोग तो उसमें भी भली कह दें फ्री में दी है, वह दी तो को नहीं कहने कहने में नौकरी मिल रही है ज्वाइन तो को नहीं, 5 साल हो गए तो सरकार तो रिक्वेस्ट है कि इनकी बात सुनो और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उन पर तोड़े तोड़े निपटारा कराओ, 2024 आंदे हैं उल्टे भी पड़ेंगे भाई। मान लिया हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत शरीफ आदमी है, भ्रष्टाचारी नहीं है, बोला एक रिश्ते में बोला छोरा शरीफ है जी, बोला शरीफ छोरा बहुत है ना, खुद का दिमाग ना किसे कहना मन है, और तो सारी गुण हमारे छोरे में अपना के कुछ कहना भाई साहब इतने दिन से ब्रांड मटेरियल सर। मेरा कहना है कि पिछले 4-5 साल मंत्री के पास जाके बात अपनी रिक्वेस्ट दी है कि सर हमारा ये प्रो है और हम सीएम साहब से मिलवा दो, कोई भी मंत्री बोलता हम मिलवा देंगे कॉल कर देते हैं, वो सीएम साहब से बात करते हैं या उनके ओएसडी से बात करते हैं, वो बात करते हैं कि जाओ तुम मिल लो हमको, ओएसडीजी मिलते हैं, ओएसडीजी बोलते हैं कि मैं सीएम साहब से बात कर लूँगा तुम्हारा हो जाएगा कुछ कन्फर्म है पक्का हो जाएगा। हम महीने में चार हर मंगलवार को हमको बुलाते हैं, हर मंगलवार को हम चंडीगढ़ जाते हैं, हमारी कमेटी बनाई है कभी 2 कभी 4 बंदे, हर बार यही बात होती है कि आपका अगले हफ्ते हो जाएगा, आपका अगले हफ्ते हो जाएगा, पिछले 1.5 साल से तो हमारे डॉक्यूमेंट भी चेक कर लिए हैं और हम इतने बच्चे हैं सभी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है ना, जो नेशनल खेले हुए हैं कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 4-4, 5-5, 7-7 नेशनल खेले हुए हैं, तो उनके लिए इतनी मतलब इतनी बयान माटी कर दी कि मतलब वो कुछ कहीं नहीं जा सकते, जो बंदे प्राइवेट जॉब किया करते इस नौकरी के चक्कर में सोचा गवर्नमेंट लगा देगी, गवर्नमेंट ने लगाई नहीं वो जॉब भी चली गई प्राइवेट, कोई कपड़े की दुकान पे काम करता था, कोई मजदूरी करता था, कोई दिहाड़ी करता था, तो उसके बाद भी काम नहीं हुआ। और अभी लेटेस्ट में इन्होंने क्या किया, जब हमारी फॉर्म फिल करवाए तो 25-5 के तहत पॉलिसी थी, 25-5 के तहत हम सब एलिजिबल हैं, इन्होंने इसके बाद क्या किया उसमें अमेंडमेंट कर दिया कि अब 15-11 की पॉलिसी बना दी, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इनमें सिर्फ वो उसी पॉलिसी को कवर करते हैं, अगर ये अब की बार जॉब लग गए तो लग गए, नई भर्ती में पेपर भी नहीं दे सकते। देखो भाई देखो परेशानी तो इनाना हो रही है, और कोई बड़ी मामला तो नहीं है, ग्रुप डी की नौकरी है। अच्छा एक बात और बताओ, एक नारा है खट्टर नहीं खटारा, इस टाइप के नारे तो नहीं दियोगे? नहीं सर, हमने कहीं विरोध नहीं किया, हाथ जोड़े हैं सरकार के आगे, सीएम साहब से रिक्वेस्ट किए जी, गरीब बच्चे हैं जितने भी बैठे हैं सर, कोई यहाँ से बड़े घर से नहीं है सर। सही बात है। हाँ सर, हम ये नहीं कहते सर हम इंटरनेशनल थे फलान थे, लेकिन हमने भी कभी हरियाणा का नाम ऊँचा किया सर, नेशनल स्टेट में मेडल जरूर हैं सबके, तो ये है सर बात। अच्छा एम ए भी कर रहे हैं क्या ना भाई? एम ए पढ़े लिखे बालक है सर, मैंने एम पी एड की है मास्टर डिग्री के यू के से सर। के यू के थे भाई नू नहीं के कोई दूसरे जगह की यूनिवर्सिटी है कहाँ से? मैं NIS 2018-19 का पास आउट हूँ, 16 साल हो गए, कैथल में जूडो सेंटर चला रहा हूँ, 5 इंटरनेशनल बालक दे रखे हैं, 55 ज़्यादा नेशनल मेडलिस्ट दे रखे हैं, ग्रुप डी है तो धक्के खाऊँ, और इतने बालक मजाक उड़ाने दे, हमारा मास्टर तो यू ग्रुप डी का बारम्बर है, के करे तो ये भी बता दो, इतने बालक तो इनके सरकारी कोच ने कौन दे रखे हैं मेडलिस्ट जितने मैंने दे रखे हैं, 2018 था पहले कैथल में कोई सरकारी कोच नहीं था, उससे पहले 2008 था लेके मैं जूडो सेंटर एक चला रहा था, और इतने मेडलिस्ट बालक मेरे एक लाख काट उड़े हैं, तो क्या फायदा इसी सरकार का? और अनक तो इसे बात का बिल्डर हो सर, ये मैम की फिजिकल एजुकेशन एम फिल जी, अरे मैट्रिक फेल हूँ मैं। अच्छा और बालका की कोई बताना चाहो भाई, कोई कमी पेशी? तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, लेकिन सच में दुख हुआ है जब ये डिजर्विंग बालक रह जाए, कोई बोला था? अच्छा, जब ये डिजर्विंग बालक रह जावे हैं और कोई और लाग जे है तो सोचना चाहिए भाई, मैं तो भी नहीं कहता उन्होंने हटा दो, लेकिन ये डिजर्विंग है इन्होंने लगा दो भाई, 5 साल तक चलो उनका भी परिवार पढ़ रहा होगा, हालांकि लॉजिक तो नहीं है इसका, बतेरी नौकरियां ख़त्म हुई इस चक्कर में, लेकिन इनको लगाना चाहिए, प्राथमिकता यही है जी। पहले तो जी आपको नमस्कार जी, धन्यवाद शर्मा जी। ऐसे है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि भी सरकार की मनसा में खोट है, सरकार चीफ सेक्रेटरी कार्यालय ने 23/1/2023 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि भी इन बच्चों को लगा दो, ठीक है। 27/1/2023 को सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने ये कहा कि भाई
हमें इनकी कैटेगरी वाइज और डिपार्ट विभागों के नाम बताए जाएं। वो लेटर आज तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से वापस नहीं गया 27-1 का। ओके, मेन ये मुद्दा है जी। अरे आज कह रहे हैं तुम्हारा केस फाइल हो गया, तो 27-1 को चीफ सेक्रेटरी ने 23-1 ने लिखा और 27-1 ने उनको पूछा कि भाई हमें विभागों के नाम और कैटेगरी वाइज पोस्टें बताओ, वो तो ये बता नहीं रहे। मुख्य मंत्री के आदेशों की पालना करी ना करी, 23-1 को चिट्ठी जरूर गई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, भाई इतने बालक हैं वहाँ से भी कुछ प्रश्न करे गए हैं, उनसे भी उन्होंने भी कुछ मांगा है। 27-1 कुछ नहीं हुआ, वापिस कुछ नहीं हुआ। 27-1 को जो चिट्ठी लिखी है सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने, वो आज तक इनके पास पेंडिंग है। और जब भी नरेंद्र असिस्टेंट है उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं 10% कोटा, 10% वैकेंट पोस्ट, वैकेंट वो हमारी वैकेंट और 10% के इजिबल नहीं, हम हमारी रिवाइज रिजल्ट है, हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वेटिंग लिस्ट नहीं है हमारी, हमारी मेन लिस्ट की रिवाइज रिजल्ट है। ये देखो ना भाई साहब, सीएम साहब के बोलने के बावजूद भी 31 दिसंबर 2022 पहले से बच्चे लगने चाहिए, अभी तक नहीं लगे तो आम जनता का भी कितना वो होगा। और हम तो खिलाड़ी हैं, सरकार ने हमको राशि भी दी हुई है कि 10,000-15,000 नौ नेशनल खेल के आए हैं, सरकार ने हमको सब चीज़ माननी है, सीएम साहब बोल रहे हैं, मंत्रीगण से बात हो रही है, सब बोल रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, हमको तो समझ नहीं आ रही। सीएम साहब से हमको मिलने का टाइम दिया जाए, हम सीएम साहब से मिलना चाहते हैं, हमने सभी ट्राई कर ली, सीएम साहब से हम कहीं मिलते हमको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी कहीं मीटिंग होती है तो उनकी सिक्योरिटी मना कर देती है, तुम नहीं मिल सकते, कहीं हमको इकट्ठे नहीं होना, कमरों में बंद कर दिया जाते हैं। हम भी माने गए थे बापूड़ा गाँव में, उधर कमरों में बंद कर दिया कि हम सीएम साहब को अपनी बात भी नहीं रख सकते। सीएम तो हमारा है ना, अगर रामराज में भी हमारा काम नहीं होगा ना, तो बाकी सरकारों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये बोलते हैं हम सीएम साहब से, एक बार हमारा बच्चा बोल बापूड़ा गांव में बोल रहा कि सर हमारा काम नहीं हुआ, सीएम साहब ने बोल दिया पर्ची खर्ची से तो नहीं लगे। अरे हम लगे ही नहीं, पर्ची खर्ची तो बाद की बात, हम लगे ही नहीं, हमारा सब कुछ काम हो गया उसके बावजूद भी नहीं हो रहा ना, तो कितना दुख होगा। हमारे पड़ोस में मतलब हम पड़ोसियों से भी जलील होने लग गए, गाँव वाले जो भी जहाँ जिसका पड़ोस है बोलते हैं 1.5 साल हो गया तुमको तो लगे, तुम्हारा तुम झूठ बोलिया कर दे लारे दे, मतलब इतनी बेइज्जती महसूस करा, कई बार तो ऐसा मन कर दिया कि सरकार ग्रुप डी की सरकार को मतलब ये हो जाएगा कि लेटर लिख दें कि हम अपनी आत्महत्या कर लें, मतलब परमिशन लेने तक की काम होगी, इतनी नौबत आ रही है, मतलब बच्चे इतने तंग है, या तो हमने नौकरी दे दो या आत्महत्या करने का अपना लेटर दे दो भाई, अपने आत्महत्या कर लेंगे। तो भाई इस तरह फालतू तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, अरे इन्होंने कह भी दिया भाई। फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।